इस टाइम मोदीपुरम कृषि अनुसंधान केंद्र के पास। देखिए किस बेस पे, किस सॉलिड बेस पे हमारा यहाँ पर वर्क हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह वीडियो अपने दोस्त अशोक को समर्पित करना चाहता हूँ जो हम सबको छोड़ के चला गया है। अशोक मेरे बचपन का दोस्त था और हम कॉलेज तक साथ रहे और कॉलेज के बाद से लेकर आज तक, इन बातों को 25 इयर्स हो चुके हैं, हम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहे। पर वो बंदा अचानक से हमें छोड़ के चला गया, सही सलामत अपने शॉप पे आया। आने के बाद 2 बजे करीब बोला कि हार्ट में पेन हो रहा है, कुछ घबराहट सी हो रही है। लेके हॉस्पिटल तक पहुँचे और 15 मिनट में ही सब कुछ ख़त्म। समझ में नहीं आ रहा कि इतने जल्दी और ये कैसे हो गया। तो आज की मेरी ये वीडियो अशोक को समर्पित है। अशोक वही है, आपने मेरी पहली वाली मेरठ मेट्रो की वीडियो देखी होगी, उसमें उसने मेरी बहुत मदद की थी वीडियो बनवाने में। तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ उसकी, आप भी समझ जाएंगे कि कौन अशोक है। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त चला गया। भगवान इतना जल्दी इतना बुरा किसी के साथ ना करे। चलिए तो दोस्तों चलते हैं। उन्होंने खोल दिया, ये हमारे एक फ्रेंड है अशोक जी, इनकी मदद से ऐसा हो पाया, इन्होंने ताला खुलवाया यहाँ का। अब ये ताला लगाएंगे। तो देखिए, आपको बहुत दिखाने के लिए, वीडियो कुछ दिखाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। लग गया ताला। गुड इवनिंग दोस्तों, थोड़ा शोर होगा क्योंकि ट्रैफिक है, मैं हाईवे पे खड़ा हूँ। मैं हूँ इस टाइम मोदीपुरम कृषि अनुसंधान केंद्र के पास, जहाँ से मैंने एक बार अपनी पहली वीडियो भी डाली थी जब एक सिंगल पिलर तैयार हो रहा था। और अभी आपको मैं अगर अपने बैक पे दिखाऊँ, इधर ये है मोदीपुरम का लास्ट, मोदीपुरम का लास्ट मेट्रो स्टेशन। हमारा मेट्रो का भी और RRTS का भी लास्ट स्टेशन यही होगा। यहाँ तक दोनों सेम रूट पे आएंगी, आपकी RRTS भी और मेरठ मेट्रो भी, दोनों भी। ठंड बहुत लग रही है इस टाइम, बहुत ज़बरदस्त हाथ में कप कभी छूटते हैं और आवाज़ में भी कम पान आ रही है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं विजुअलिटी भी बहुत कम है, सूरज नहीं है और ठंड बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, ये इतना शोर हो रहा गाड़ियों का कि ये भी कप कभी छुटा रही है जब गाड़ी कोई पास से जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर आज चलने की, आपको भी लेके चलता हूँ। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अंदर चलने की, देखिए क्या होता। और ये मेरा हाथी, मेरा साथी सामने, जिससे मैं यहाँ तक आया हूँ। और ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ट्रैफिक का रश, कि ट्रैफिक कितना ज़बरदस्त आ रहा है, तो पार करना ही बड़ा मुश्किल होता हाईवे को, देख के पार करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं उधर। रुक जा भाई, ट्रैफिक रुक जा, बड़ा फास्ट है। NCRTC राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम दिल्ली मेरठ RRTS। चलिए बॉस, तो चलते हैं आज हम अंदर, कोशिश करते हैं अंदर की वीडियो बनाने की, अगर मिल गई है परमिशन थोड़ी बहुत। तो दोस्तों, ये है RRTS और मेरठ मेट्रो का लास्ट स्टेशन मोदीपुरम। यहाँ पर भी स्टेशन आपका एलिवेटेड ही बनेगा और पार्किंग स्पेस दिया जाएगा थोड़ा सा और आगे।
तो यह स्टेशन है, इसे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे काम हो रहा है। क्योंकि मेरठ से मोदीपुरम की तरफ आती हुई आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो के बीच में पीछे फ्लाईओवर पड़ता है, मोदीपुरम फ्लाईओवर पड़ता है हमारा बाईपास का, और फिर ये प्लेड है चौक वाला, ये भी फ्लाईओवर पड़ता है, तो काफ़ी हाइट से होती हुई ये हमारी ट्रेन आएगी, तो इसलिए यहाँ पर भी स्टेशन जो बनेगा वो भी एलिवेटेड ही होगा, क्योंकि हाइट पीछे काफ़ी है फ्लाईओवर की, तो उनको क्रॉस करेगी तो इसलिए एलिवेटेड ही रहेगा। इसी कारण यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर वर्क हो रहा है और काफ़ी लंबा एरिया कवर किया गया है, क्योंकि यहीं पर ही एक आपका डिपो भी बनेगा, यार्ड जिसको बोलते हैं वो भी बनेगा, पार्किंग भी यहाँ पर दी जाएगी और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, तो काफ़ी सुविधाएं रहेंगी इस स्टेशन पर, और ये आने वाला मेरठ का भविष्य है जो यहाँ से स्टार्ट होगा दिल्ली की तरफ को जाता हुआ। तो देखिए किस लेवल पर काम हो रहा है यहाँ पर, इधर आपका पिलर के जाल बन रहे हैं और इनको क्रेन उठा रही है। सामने अगर आप देखें गौर करें तो वह एक पोकलैंड मशीन है जो ड्रिल मशीन करके नीचे देखे किस तरह से कितना डीप जा रही है। इसकी एक अराउंड 72-100 फीट तक का वर्क करके लाती है जो नीचे हॉल बनाती है, और उसमें फिर ये जो साइड में आपका इधर जाल रखी हुई है ये हमारे जो पिलर्स बन के तरह है। अब आप देखें तो मशीन वर्क कर रही है, मूविंग है, और इस तरह से ड्रिल चलती रहती है और नीचे से मलबा निकाल के ऊपर लाना शुरू कर दी, कितनी हाइट हो जाएगी। और इधर को अगर मैं दिखाऊं तो आपको दूर तक का एरिया कवर दिखाई देगा, तो ये आप कल्पना करिए ये कितना बड़ा स्पेस है। यहाँ पर स्टेशन है, यार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, तो आप गौर करें कि कितना बड़ा एरिया कवर करें। और देखिए ये एक जाल जो लेके आई है क्रेन उठा करके, और यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं ये कंक्रीट डाली जा रही है, जितने भी पिलर्स होते हैं जो भी मैंने आपको पीछे दिखाया बोरवेल मशीन करती हुई, उसके अंदर वो पिलर खड़ा करा जाता है फिर जाल वाला, और फिर उसे कंक्रीट से भर दिया जाता है। तो एक बहुत बड़े स्केल से यहाँ पर वर्क हो रहा है। ये जो मिक्सर है ये खाली हो गया है, क्योंकि माल जो बन के आता है वो दूसरे प्लेस से बन के आता है। यह जा रहा है तो हम भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं आगे क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है। वो ये मेरा हाथी और मेरा साथी, चलिए चलते हैं। ओए बहन, देखे कैसे लेके गया ये बस वाला, मेरी उंगली से टच होके गया बिल्कुल, मेरी उंगली से, मैंने हैंडल पकड़ रखा था तो मेरी कन्नो उंगली बाहर थी, तो बिल्कुल उससे हवा लगा के उस पर टच होके गया बिल्कुल। दोस्तों उस वक्त जब वो बस निकल के गई मेरी जान ही निकल गई थी, कि काश अगर और बाल बराबर अगर वो हैंडल से टकरा जाती तो मैं कहां पड़ता। आपने देखा मैं बिल्कुल साइड में था और बस वाला कितनी रॉन्ग लेके गया था। तो हमारी मेट्रो और आरआरटीएस थी, ये जो प्लेडा फ्लाईओवर है और फिर ये आगे मोदीपुरम फ्लाईओवर है, इसकी हाइट से ऊपर ही ऊपर चलेगी, तो इसलिए वहां पर एलिवेटेड है। अभी हम हैं यहाँ मोदीपुरम फ्लाईओवर के पास, जो एक तरफ मेरठ डुडकी रोड और दूसरी तरफ बाईपास से आता है, तो यहाँ तक कोई भी वर्क अभी नहीं हो रहा है। तो ये है गुरुकुल डोरली का मेन गेट जो सीधा यहाँ से ललसाना गांव में जाता है। यहाँ के बाद से आपको आगे मेरठ बेगमपुर तक और फिर भैंसाली ग्राउंड या फिर आगे वर्क होता सब जगह दिखाई देगा, लेकिन ये पीछे कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ से काम दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी बड़े स्केल पर काम स्टार्ट हो जाता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको दिखाई देंगे पिलर शेप में आते हुए। अभी आप देखेंगे कि आपको इधर सरिये दिखाई दे रहे होंगे, यानी बेसमेंट का काम हो चुका है और पिलर्स में अब ये ऊपर की तरफ को बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कि हाइट आपको बढ़ती दिखाई देगी, यानी कि ऊपर का प्रोग्रेस वर्क होता हुआ आपको दिखाई देगा और करीब करीब हर पिलर्स पर आपको वर्कर काम करते हुए मिलेंगे। तो बहुत तेजी से वर्क हो रहा है,
आपको महसूस होगा कि हाँ, हम बहुत जल्द इसका सफर करने वाले हैं और ऐसा बहुत जल्द धरातल पर आपको दिखाई देगा। हम बहुत जल्द ही RRTS और मेरठ मेट्रो का सफर करने वाले हैं। ये इसकी गाइडलाइन है 2025, लेकिन जिस हिसाब से वर्क हो रहा लगता है कि हम उससे पहले ही, जो लास्ट गाइडलाइन डेट है उससे पहले ही हम इन ट्रेनों का सफर कर लेंगे। तो ये देखिए, आपको पिलर दिखाई दे रहे होंगे, तो यह बनेगा स्टेशन, यहां पर बनेगा डोरली का स्टेशन। और हम चलते चलते आ गए हैं सोफीपुर मेरठ। तो यहाँ पर भी आपको बोरिंग मशीन, जैसे आपको मैंने मोदीपुरम में दिखाया, इस तरह का वर्क हो रहा है। बीच में भी हो रहा था और जगह जगह के पर यह वर्क होता जाए, क्योंकि ये एरिया पिलर वाला है, तो यहाँ पर मोस्टली काम पिलर से बेस ही हो रहा है। या तो बोरवेल बोरिंग हो रहा है, या उसके अंदर जाल डाला जा रहा है, या कंक्रीट डाला जा रहा है। मेनली इस रूट का अब यही काम हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं सामने कि यहाँ पर भी वैसा ही प्रोसीजर काम चल रहा है जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था। ये देखिए कितना सारा मलबा लाती है, और ये एकदम से डाला, निकाला, फिर दोबारा से डाली अंदर, फिर मलबा निकाला। यह प्रोसीजर रेगुलर चलता रहता है। तो जल्दी ही यहाँ पर भी आपको एक नया पिलर दिखाई देगा। चलिए तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और आपको आगे वर्क दिखाते हैं, आगे क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो इस टाइम में था सोफीपुर, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक के लिए बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक चलता है, क्योंकि दोनों तरफ बीच में आपका रैपिड का और इसका मेरठ मेट्रो और RRTS का काम चल रहा है। तो और दोनों तरफ से ट्रैफिक स्मूथ चलता रहता है, और आप गौर करेंगे कि दोनों तरफ ही यहाँ वर्क हो रहा है अब। तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर बनने वाला MBS का स्टेशन, यह स्टेशन का नाम होगा MBS स्टेशन। तो इस टाइम है हजरत रोशन सैयद साहब की दरगाह के पास। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ क्या वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही सेम, इसके अंदर जाल डाल चुके हैं, अब इसको वेल्डिंग करके फिर इसके अंदर कंक्रीट भरना शुरू करेंगे इसको नीचे डालने के बाद। अभी इसको हैंगिंग किया हुआ क्रेन ने, जब ये इसका वेल्डिंग का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, एक दूसरे में सर ये जो जॉइंट किए जा रहे हैं, क्योंकि एक जाल नीचे जा चुका है और एक जाल ऊपर से दोबारा इसके अंदर डाला जा रहा। तो इस तरह से कम तीन जाल डाले जाते हैं, और एक जाल की हाइट जो होती है वो अराउंड 30 से 40 के बीच में होती है, 30-40 फीट्स के बीच में होती है। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि अराउंड 90-100 फीट्स का नीचे जाता ही जाता है जाल। तो इसमें जाल डाल चुका है, इसलिए इसमें वेल्डिंग चल रही है। और इधर भी अगर मैं आपसे दिखाऊं तो पूरे आप जहां तक नजर डालते हैं ना कुछ प्रोग्रेस होती ही जा रही है। तो हमारा बहुत जल्द सपना साकार होने वाला है, और मेजर स्केल पर वर्क हो रहा है। 3 शिफ्टों में काम किया जाता है यहाँ पर, कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं है कि हाँ छुट्टी है कुछ है, रेगुलर काम किया जा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूरा करके देना है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं जल्दी ही, जो यहाँ से एलिवेटेड जानी शुरू होती है, और यहाँ के बाद हमारी यह ट्रेन अंडरग्राउंड होना शुरू हो जाती है। जो भी मैंने प्लेस दिखाया वहां के बाद यह हमारी ट्रेन अंडरग्राउंड आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा पहला अंडरग्राउंड स्टेशन यहाँ बनेगा कंपनी बाग के ठीक सामने। ये हमारा पहला अंडरग्राउंड स्टेशन है अगर हम मोदीपुरम की तरफ से आते हैं। इसके बाद बेगमपुर और फिर भैंसाली ग्राउंड, और उसके बाद फिर आप फुटबॉल चौराया और दास मोटर। इस तरह से हमारे ये स्टेशन नीचे ही नीचे है, क्योंकि यहाँ तक एलिवेटेड थी और यहाँ से अंडरग्राउंड है, और ये फिर अंडरग्राउंड रामलीला ग्राउंड के सामने कहीं दास मोटर के पास जाके निकलेगी। तो वहाँ से और यहाँ तक अंडरग्राउंड रहेगी। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेशन का वर्क शुरू हो चुका है।
मैं यहाँ की भी वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जितनी मैं दिखा सकता हूँ। दोस्तों आपको सामने मशीन दिखाई दे रही होगी, जेसीबी नीचे वर्क करती हुई आप देख रहे हैं सामने, और आपको एक रो में बहुत सारे पिलर्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर लैंटर डाला जाएगा और नीचे से ही स्टेशन रहेगा जो यहाँ से, क्योंकि यहाँ के बाद ही यह बाहर आएगी, यहाँ से नीचे नीचे ही आएगी यहाँ तक। तो आप ये देख रहे हैं सारे के सारे पिलर्स और काम होते हुए देख रहे हैं। तो हमारा स्टेशन का नीचे बेसमेंट में वर्क होने लगा है। अब आप देखिए एक जेसीबी होती है बहुत बड़े वाली, ये पूरी की पूरी अंदर है और उसके बाद वो नीचे वो खुदाई कर रही है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि आप कम से कम 35-40 फुट नीचे वर्क होना शुरू हो गया है, और ये पूरा डंप निकाल रही है मिट्टी का, हैंड टू हैंड वो ट्रक में भरा जा रहा है और यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है उस मिट्टी को। हम यहाँ से आगे बेगमपुर की तरफ बढ़े तो आगे ट्रैफिक रोक दिया गया, हमको लेफ्ट हैंड को टर्न कर दिया गया क्योंकि आगे मेट्रो का वर्क शुरू हो गया है। तो यहाँ के बाद आप बेगमपुर की तरफ डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको घूमकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक की वीडियो दिखाई है, आपको मोदीपुरम से लेकर कंपनी बाग तक की वीडियो दिखाई है। मेरा काम आगे भी चल रहा है, लेकिन क्या है कि मैं अगर आज ही पूरी वीडियो दिखा दूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। आपने देखा मेरी पहले वाली वीडियो, मैं मानता हूं कि मेरी पहली वाली वीडियो के बहुत अच्छे रिव्यू आए, आपने उसको 1.5 लाख व्यूज से ऊपर तक पहुंचा दिया है, लेकिन वीडियो का ज्यादा लंबी हो गई है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इन वीडियो को 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में डालूं, पूरी मेरठ की आपको उसमें दिखाऊं। तो आज तक की वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं, मैंने आगे की वीडियो बनाई है, आप इसको देखिए। मैं जल्दी ही 1 या 2 दिन में आगे की ये आपकी बेगमपुर, आपकी भैंसाली ग्राउंड, आपका फुटबॉल चौराया से और आपकी परतापुर तक की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करता हूँ। तब तक आप इसको देखिए, और अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आया हो तो मुझको इन वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। मैं लेके आता हूँ तब तक के लिए आपके लिए और बहुत अच्छी अपडेट। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।